टेन ऑन टेन पेश करते हैं इंदौर में घूमने के 10 प्रमुख स्थान। नंबर 10, पातालपानी झरना। इंदौर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है पातालपानी झरना, जहां 300 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी आपके मन को तरोताजा कर देगा। ये एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है, लेकिन ध्यान रहे कि मॉनसून के वक्त यहाँ पानी का बहाव काफी तेज और खतरनाक हो जाता है। नंबर 9, कांच मंदिर। कांच मंदिर इंदौर के इटवरिया बाजार में बना जैन समुदाय का धार्मिक स्थल है। इस मंदिर के निर्माण में कांच का काफी इस्तेमाल किया गया है और ये देखने में बहुत ही आकर्षक और अनोखा लगता है। इस मंदिर को सेठ हुकुमचंद जैन जी ने 1903 में बनवाया था। नंबर 8, सैफी नगर बोहरा मस्जिद। और 8वें नंबर पर है सैफी नगर बोहरा मस्जिद, जो यहाँ की सबसे लोकप्रिय मस्जिद है। ये मस्जिद इंदौर के सैफी नगर में स्थित है और दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा बनवाई गई है। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जा चुके हैं। नंबर 7, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। अगर आपको है जानवरों से लगाव तो आप जा सकते हैं इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय या इंदौर जू। यहाँ आप हिमालयन भालू, तेंदुआ आदि के साथ साथ बंगाली शेर भी देख सकते हैं। यहाँ जानवरों का रख रखाव काफी अच्छे से किया जाता है। नंबर 6, अन्नपूर्णा मंदिर। और 6वें नंबर पर आता है इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर, जो ना सिर्फ एक अच्छा धार्मिक स्थल है बल्कि एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ये मंदिर अन्न की देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है। मंदिर के द्वार पर बनी हाथियों की विशाल प्रतिमाएं भी देखने योग्य हैं। अगर आपने अभी तक इस भारतीय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क और आप देख पाएंगे हमारे वीडियोस सबसे पहले। नंबर 5, सराफा बाजार। अगर आपको है खान पान का शौक या आभूषणों से लगाव तो यकीनन आप इंदौर के सराफा बाजार में जाकर जन्नत जैसा महसूस करेंगे। दिन में जहां यहां पर गहने इत्यादि की खरीदारी की जाती है, वहीं रात में हर कोई यहां दही बड़ा, गोलगप्पे, साबूदाना खिचड़ी, मालपुए आदि की दिलकश दुनिया में खोया होता है। नंबर 4, अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क। इंदौर का अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क, या जिसे पिपलिया पाला पार्क नाम से भी जाना जाता है, 122 एकड़ में फैला एक बहुत ही हरा भरा उद्यान है। इस उद्यान के अंदर एक 80 एकड़ बड़ी एक सुंदर झील भी है। यहाँ पर आप बोटिंग, म्यूजिकल फाउंटेन, खान पान, भूल भुलैया के लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 3, खजराना मंदिर। खजराना मंदिर इंदौर में स्थित गणेश जी को समर्पित एक महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर को रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था ताकि गणेश की प्रतिमा को औरंगजेब से बचाया जा सके। यहाँ पर विनायक चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। नंबर 2, लालबाग पैलेस। इंदौर के शालीन इतिहास को बखूबी बयां करता है यहाँ पर स्थित लालबाग पैलेस। ये भवन होलकर राजवंश द्वारा बनवाई गई एक भव्य इमारत है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा रोज गार्डन भी है। एक समय पर गृह निवास रहा यह स्थान अब संग्रहालय के रूप में ज्यादा जाना जाता है। नंबर 1, रजवाड़ा। और नंबर 1 पर है राजवाड़ा, जो इंदौर का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस महल का भी निर्माण होलकर राजवंश द्वारा करवाया गया था। ये एक 7 मंजिला इमारत है और उस समय की वास्तुकला को भी बहुत अच्छे से दर्शाती है। राजवाड़ा का निर्माण 18वीं सदी में किया गया था। इन 10 जगहों के अलावा इंदौर में 56 दुकान, इंदौर व्हाइट चर्च, इंदौर म्यूजियम, क्रेसेंट वाटर पार्क, मेघदूत गार्डन, मयंक ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क और बिसाजन माता मंदिर भी देखा जा सकता है।